हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे। कौन सा अपनी पोजीशन लगाओगे? बकवास ना करो, आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रीपोजिशन की इस सीरीज में। ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने प्रीपोजिशन के इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए और फिर जीवन में कभी भी प्रीपोजिशन टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम, ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ओ एफ का यूज हम कब करते हैं। पजेशन बताता, ऑफ मतलब पजेशन, पजेशन का मतलब है अधिकार, और ये हमें क्या बताता है, रिलेशन, संबंध, सुपरलेटिव डिग्री में। ऑफ का यूज आप तीन कंडीशंस में करेंगे ओ एफ का। पजेशन, पजेशन मतलब अधिकार के सेंस में, रिलेशन मतलब संबंध के सेंस में, और सुपरलेटिव डिग्री का। इस ऑफ का यूज कब करते हैं, जब सडन और एक्सीडेंटल सेपरेशन हो, मतलब अलग होना। अलग तो जरूर होना है, लेकिन कैसे अलग होना है, अगर हम सडन अचानक से कोई चीज़ अलग हो रही या फिर एक्सीडेंटल बिहेवियर को बता रही फिर अलग हो रही, तो ओ डबल एफ का यूज करना है। जबकि फ्रॉम का यूज आप करते हैं नेचुरल सेपरेशन, यानी कि स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ अलग हो, स्वाभाविक रूप से। कैसे स्वाभाविक रूप से, यानी कि अपने आप कोई चीज़ अलग हो रही, वो नेचुरल हो रही है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ नेचुरली अलग है तो हमें फ्रॉम का यूज करना है। दूसरा फॉर, ओरिजिन में, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, उद्गम की बात, यानी कि बर्थ की बात करें तो हमें यूज करना होता है फ्रॉम का यूज। और स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तब भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देखना होगा। नंबर वन, ही इज द ऑफिसर स्पेस टैक्स, इनकम टैक्स। भाई किसका ऑफिसर है, इनकम टैक्स का। तो ऑफिसर का रिलेशन किससे बन रहा, इनकम टैक्स से। ऑफिसर का रिलेशन किससे, इनकम टैक्स से। अब आप कहोगे सर ये कौन सा रिलेशन है, ऑफिसर का इनकम टैक्स से क्या रिलेशन है। भाई इनकम टैक्स का क्या है, ऑफिसर है। तो आप यहाँ लगाओगे ऑफ, यानी कि जब हम पजेशन बताते हैं तो इसमें हिंदी में सेंस आता है का की के, यानी कि इसका अधिकार उस पर है कि नहीं। जब इनकम टैक्स का ऑफिसर है तो उसका पजेशन किस पर है, अपने डिपार्टमेंट पर पजेशन होगा। दूसरी बात, रिलेशन इसी को हम कह सकते हैं ऑफिसर का संबंध है। संबंध का मतलब ये नहीं कि इसका जीजा है या मौसा है, फूफा है, वो संबंध नहीं। ये इनकम टैक्स का ऑफिसर है तो इसका संबंध किससे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ऐसे आप समझ सकते हैं। दूसरा, लीव्स आर फॉलिंग, लीव्स जो है गिर रही हैं ट्रीज से, तो पेड़ से पत्तियों का गिरना एक कैसा सेपरेशन है, एक्सीडेंटल सेपरेशन है, या सडन अचानक से हो रहा, या फिर नेचुरल। नेचुरल का मतलब है स्वाभाविक, पेड़ से पत्तियों का गिरना एक नेचुरल सेपरेशन को दिखाता। जब जो लीव्स हैं वो पुरानी हो जाएंगी, ओल्ड हो जाएंगे तो अपने आप गिर जाएंगे। तो यहाँ पर नेचुरल सेपरेशन हमें कौन सा प्रीपोजिशन बताता, इसलिए आप लगाएंगे फ्रॉम। क्या लिखोगे, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, पत्तियाँ पेड़ से गिर रही, नेचुरल सेपरेशन है, कोई कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा जो पेड़ से पत्तियों के गिरने को रोक पाए, क्या कर पाए ना, वो तो गिरेगी। एन एप्पल फेल स्पेस न्यूटन हेड, अब जो सेब है वो न्यूटन की खुपड़िया पे गिरा, न्यूटन बोला ओ मताई मर गए। तो अब न्यूटन की खोपड़ी पे एप्पल का गिरना ये नेचुरल सेपरेशन नहीं है, एक्सीडेंटल है, उसी की खोपड़िया पे क्यों गिरा, उससे पहले हम खड़े थे, हमारे पे क्यों नहीं गिरा, हमसे कहा एप्पल डरता था क्या, नहीं, ये एक्सीडेंटल बिहेवियर है, अचानक से उसकी खोपड़ी पे गिरा और न्यूटन के दिमाग घूम गया और उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कर दी। बोले जब भी कोई वस्तु, यानी कोई भी वस्तु है, ऊपर अगर हम उछालेंगे तो वो नीचे गिरती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर न्यूटन की खोपड़ी पे गिरना कैसा सेपरेशन है, सडन और एक्सीडेंटल होने की वजह से ओ डबल एफ का यूज हो जाए, क्लियर। राज फेल स्पेस हिज बाइक, राज जो है बेचारा अपनी बाइक से गिर गया एंड गॉट इंजर्ड और घायल हो गया, बताओ एक्सीडेंटल सेपरेशन या नेचुरल, हाँ एक्सीडेंटल सेपरेशन, बेचारा गिरा और घायल भी तो हो गया। अब ये थोड़ी कि भाई अंकित जैसा बुंडा वही गाड़ी को टसन में घुमाया और सर और गिरा, बोले अपनी तो स्टाइल है, बोले ऐसे ही गिर उठते हैं, तो ये नहीं, ये एक्सीडेंटल बिहेवियर है, ऑफ आएगा, क्या आएगा, हाँ राज फेल ऑफ हिज बाइक, बाइक से गिरा, अचानक गिर गया, बाइक फिसल गई, एक्सीडेंटल बिहेवियर। द परफॉर्मर जंप, परफॉर्मर ने जंप लगाई स्पेस हाईएस्ट पॉइंट, तो परफॉर्मर ने हाईएस्ट पॉइंट से जंप लगाई, उसके लिए नेचुरल है, हम लोगों के लिए ये सडन एक्सीडेंटल है, लेकिन परफॉर्मर का रोज का काम, वो तो नेचुरली ढंग से कर रहा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे फ्रॉम, क्या लगाएंगे फ्रॉम आ जाएगा, यहाँ पर आप फ्रॉम लगाएंगे। वेयर आर यू स्पेस,
आपने बहुत अच्छे से बचपन से सुना है, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम बनारस, तो ये क्या बता रहा आप जब लिख रहे हो वेयर आर यू फ्रॉम, ये आपकी ओरिजिन को बता रहा, उत्पत्ति उद्गम जन्म स्थान बता रहा, आप कहाँ से हैं। आप कहोगे आई एम फ्रॉम जालौन डिस्ट्रिक्ट में, जालौन डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि पैदा कहाँ होगे जालौन में, झांसी में, पढ़ पढ़ रहे हो, तो ये उत्पत्ति उद्गम ओरिजिन बता रहा, आई केम फ्रॉम आगरा, यहाँ भी आप फ्रॉम का यूज कर देंगे, तो ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट रहा होगा आपका ऑफ ऑफ फ्रॉम। आपने तीनों के डिफरेंसेस को बेहतरीन ढंग से समझा, आप लोगों ने भी समझा है, तो बस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। आपको बहुत सारा ऑथेंटिक कंटेंट हमारे चैनल पे देखने को मिलता है, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़रूर करवाइए। टू अदर फंक्शंस ऑफ ऑफ, ऑफ के दो अन्य फंक्शन समझते हैं, दो अन्य तरीके से ऑफ कैसे काम करेगा। जैसे यहाँ पर एक शब्द आपने सुना है, क्या लिखा, डाय, क्या लिखा, डाय, डाय का यूज आप जरा समझें, अगर डाय के साथ में आप ऑफ भी लगा सकते हैं ओ एफ, डाय के साथ में आप ऑफ भी लगा सकते हैं और डाय के साथ में आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं। अब आप कहोगे इस तरीके से जरा समझो, अगर कोई बंदा डिसीज, किससे, बीमारी, क्या लिखा, बीमारी से मरना, और यहां लिखा है एनी अदर रीजन, क्या लिखा, एनी अदर रीजन। अब जरा हम लोग समझते हैं, डाई के साथ में ऑफ भी लगा सकते हैं और डाई के साथ में फ्रॉम भी लगा सकते हैं। डाई के साथ में ऑफ कब लगाते हैं, जब कोई व्यक्ति डिजीज से मरे, बीमारी से मरे, डिजीज से, किससे, बीमारी से, अगर वो किसी बीमारी से मर रहा है, कैसे मर रहा, हाँ, या मर रही है, तो फिर मर जानते हैं, नहीं, अगर बीमारी से मर रहा है तो ऑफ लगाना, क्या लगाना है, हाँ, और अगर अन्य रीजन से मर रहा, देखो लिखा एनी अदर रीजन, अगर किसी कोई अन्य रीजन से मर रहा तो फ्रॉम लगा, यानी कि डाई के साथ में दो प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित होकर मरता है तो ऑफ लगाना है, और अन्य रीजन से मरता है तो हमें फ्रॉम लगाना है, ठीक है। तो तुम लोग तो किसी पर मरते तो नहीं हो, वो मरना अलग है, वो तुम मरते हो, बोले हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, तुम्हें बेटा डाय के साथ में ऑफ लगाना है, क्या लगाना है, और बीमारी से मरना और अदर रीजन से मरना। अभी देखो तुम्हारा एग्जाम्पल लिख रहा है, ही डाइड स्पेस कैंसर, भाई कैंसर से मरा, कैंसर क्या है, बीमारी है, तो क्या लगाओगे, ऑफ, वेरी गुड। अब तो भाई पढ़ने लगे तुम लोग, नेक्स्ट लिखा सी डाइड स्पेस डेंगू, डेंगू क्या है, पक्का बीमारी है, तो फिर क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएं। अगला देखो प्रिया डाइड स्पेस स्ट्रेस, प्रिया स्ट्रेस से मरी, क्या लगाएंगे, क्यों, हाँ, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, भी स्ट्रेस है, टेंशन, ये तो बेवकूफ लोगों को अपने आप बना ही रहता, बोले आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, आज बात नहीं करेंगे, आज टेंशन में है, तो टेंशन लेना ही नहीं है, तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम। अब आपका जो गाना जो आप गा रहे थे, हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, बकवास ना करो, आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो, फ्रॉम लगाएंगे, किसी पे ना मरो, पढ़ाई पे मरो, बेवकूफ। तो बीमारी से मर रहा है तो ऑफ, अन्य रीजन से मर रहा है तो फ्रॉम। अब आप जो कह रहे हो कि क्या लगाएंगे, अन्य रीजन है ना वो, तो भाई वो बीमारी थोड़ी कोई किसी पे मर रहा, मर जाए, पढ़ाई लिखाई करो उसी से भला होगा, तो फ्रॉम लगाओ। ऑफ का अन्य फंक्शन क्या है जरा समझो, मेक या मेड, मेक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मेड होती, मेक के साथ में ऑफ लगाना है और मेक के साथ में फ्रॉम लगाना है, तो मेक के साथ में ऑफ कब लगाएंगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ हो, अगर किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब कोई चीज़ का रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम मेक के साथ में क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो आपको फ्रॉम लगाना। आपको एग्जाम्पल से समझना, जैसे लिखा था रिंग इज मेड स्पेस गोल्ड, रिंग जो है गोल्ड से बनी, पहले तो ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे देखो ये है भैया रिंग, क्या है, एक रिंग है जो आप अपनी किसी को पहनाओगे आने वाले समय में। अब मैंने कहा कि ये रिंग जो है गोल्ड की बनी, किसकी बनी, तो तुम्हें कैसे पता गोल्ड की बनी, हम तो ये कह रहे सिल्वर की है, लोहे की है, क्यों नहीं हो सकती, तो इसमें गोल्ड दिख रहा, अंगूठी में आपको गोल्ड दिख रहा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसमें समझना जरा, आप रिंग को तोड़ दो क्या मिलेगा,
गोल्ड, गोल्ड को फिर से बनवा दो तो क्या बन जाएगी, फिर से रिंग बन जाए। रिंग को तोड़ दो गोल्ड मिल गया, गोल्ड को आप फिर से बनवा दो तो फिर से रिंग बन जाए। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अभी भी गोल्ड ही है, चाहे आप रिंग हो चाहे गोल्ड हो, है तो गोल्ड ही, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या लगाते ऑफ। अगला देखो, द टेबल इज मेड स्पेस टिम्बर। टेबल किसकी बनी है, टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, तो लकड़ी टेबल में दिखती है ना, लकड़ी दिखेगी। आप अगर उस टेबल को तोड़ दोगे क्या मिलेगा, लकड़ी, और फिर उस लकड़ी से फिर से टेबल बना दो तो क्या बनेगी, टेबल बनेगी, जोड़ दो तो बन जाएगी कि नहीं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अभी भी लकड़ी लकड़ी ही है। तो यहाँ भी हम ऑफ का यूज करेंगे। अगला लिखा, पेपर इज मेड स्पेस ग्रास। पेपर जो है ग्रास से बनाया जाता है। अब एक बार घास से या पेड़ की छाल से आपने पेपर बना दिया तो औकात है तुम्हारी, पेपर से तुम फिर आप ग्रास बना सको, पेड़ बना सको, यानी कि टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमें पेपर से घास नहीं बनाई जा सकती, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फ्रॉम आएगा, क्या आएगा। अगला जरा देखो, कर्ड इज मेड स्पेस मिल्क। ट्रांसफॉर्मेशन समझना, मिल्क से एक बार कर्ड बन गया, दही बन गया, तो दही से कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा जो क्या बना दे, मिल्क। दही से क्या बना सकते, मट्ठा, लेकिन मिल्क नहीं बन सकता, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मिल्क से आपने कर्ड बना दिया, अब कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फ्रॉम आएगा। अगला लिखा, हाउस इज मेड स्पेस ब्रिक एंड स्टोन। घर जो है पत्थर और ईंटों से बना, तो घर में पत्थर ईंटे आप देख सकते हैं, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आप पत्थर घर को तोड़ दो, पत्थर ईंटा मिलेगा, उन्हीं पत्थर ईंटे से फिर से आप घर बना सकते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ऑफ लगाओ। अगला, अगर मैं कह रहा हूँ कि चेयर जो है प्लास्टिक से बनाई जाती है, बनी है, तो उसमें चेयर में प्लास्टिक दिख रहा है, आप चेयर को तोड़ोगे क्या मिलेगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक को फिर से रिफॉर्मेशन करा के क्या बनाओगे, तो फिर से हमें क्या बन जाएगा, क्या होगा, ऑफ। आई होप आपने ऑफ के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। तो ऑफ हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा दिया, टू अदर फंक्शंस अलग से बता दिए ऑफ के, और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई, हुई कि नहीं हुई। अब हमारे पास बाय के मल्टी यूजेज हैं। हम लोगों ने मोस्टली ये पढ़ा था कि बाय का यूज पैसिव वॉइस में होता, लेकिन आज आपको बाय के कुछ डिफरेंट यूजेज भी देखने को मिल रहे हैं। बाय का यूज सबसे पहले पैसिव वॉइस में आप के द्वारा के अर्थ में करते हो, ये अच्छी बात है, आपको पता है। बाय का यूज टाइम सोर्स के लिए भी करते हैं। अगर हम टाइम सोर्स की बात करें, समय बताने की बात करें, तो हम यूज करते हैं। तो टाइम सोर्स से भी कंफ्यूज नहीं हो, ये बिल्कुल डिफरेंट है। बाय का यूज हम ट्रेवल सोर्स में भी करते हैं। बाय का यूज हम टाइम लिमिट के लिए भी करते हैं, पास के अर्थ में भी करते हैं, शपथ के लिए भी करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल कह रहा, मीना वॉज इन्वाइटेड स्पेस रजत, तो मीना को रजत के द्वारा इन्वाइट किया गया, पैसे बाय से हम यहाँ पर लगाएंगे बाय। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, इनवाइट के साथ में टू का भी यूज होता है, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अगर मैं कहूँ मीना वॉज इनवाइटेड स्पेस पार्टी, तो मीना वॉज इनवाइटेड टू द पार्टी, पार्टी में इनवाइट किया गया, टू आएगा, डिनर के लिए, लंच के लिए टू आएगा। लेकिन यहाँ ये एजेंट का काम कर रहा है, किसके द्वारा, रजत के द्वारा, पैसिव बॉय से बाय लग गया। इट इज एट 5 PM, 5 बजा है, माय वॉच, आप क्या कहोगे, मेरी घड़ी में 5 बजा। ज्यादातर बच्चा क्या करता, हिंट दे दी जाती, वो इन लगा देगा, बोले मेरी घड़ी में, अब मैं के अर्थ में वो इन लगा दे। इसलिए मैं कभी भी हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाता हूँ कि मैं के अर्थ में, पर के अर्थ में, गलत मानता हूँ। क्या, टाइम सोर्स बताना भाई, अगर आपको समय बताना है तो समय बताने के लिए कुछ टाइम सोर्स तो होना चाहिए। समय कैसे बताओगे, घड़ी में देख के, तो एक टाइम सोर्स बता है, घड़ी में, क्लॉक में देख के तो टाइम बता दो। ऐसे थोड़ी कि मैंने इसकी शकल पर देखा, अरे भाई 3 बजा, 3:30 बजा, बज ही नहीं रहा, ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं बताते, यानी टाइम सोर्स बताए। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों ने ऐसे रट रखा है, बोले घड़ी में समय बताने की बात आ जाए तो हम बाय लगा देते, इट इज 10 o'clock by my watch। क्यों बाय क्यों लगेगा, क्योंकि वो टाइम सोर्स बताने के लिए जो एक थिंग है, इसकी वजह से हमें बाय लगाना, टाइम सोर्स की वजह से बाय आएगा। इससे में यहाँ भी बाय आ जाएगा, इट इज एट 6 AM बाय माई क्लॉक वॉच, एक ही बात है, यानी कि क्लॉक और वॉच में समय बताएंगे, हमेशा बाय आएगा। हिंदी में सेंस कुछ भी आए, हिंदी से कोई लेना देना नहीं। सी केम हेयर, बाय यहाँ आई, कैसे आई, स्कूटी से आई, किससे आई, स्कूटी, स्कूटी क्या बता रहा, ट्रेवल सोर्स, स्कूटी का हम ट्रेवलिंग के लिए ही तो करते हैं, ट्रेवल सोर्स, स्कूटी से आई। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ सी केम हेयर स्पेस, सी केम हेयर स्पेस फुट, क्या लिख दूँ, स्कूटी हटा के मैं यहाँ लिख दूँ फुट, तो क्या आएगा, तो ध्यान रखना 1 foot आएगा, क्या आएगा 1 foot, क्योंकि पैर जो है हमारे ट्रेवल सोर्स नहीं है,
पैरों का यूज ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी कर रहे कि पैरों पर बैठे पहिया लगा कर सर तो आज में पैर जो है ट्रेवल सोर्स में नहीं, स्कूटी स्कूटर ट्रेन कार बस ये सारे ट्रेवल सोर्स हैं। तो यहाँ स्कूटी होने पर बाय और फुट होने पर वन फुट का यूज होगा। अगला लिखा आई वेंट देयर, मैं वहां गया ट्रेन से गया, ट्रेन क्या बता रहा तो क्या लगाओगे बाय ट्रेन। रिया विल अराइव, रिया आएगी स्पेस प्लैंकिन क्या है का? रिया जो है प्लैंकिन, प्लैंकिन क्या है ये देखो इस बेटा ये आने वाले समय में जानकारी बहुत काम आएगी आपके। एक इस तरीके से कोई एक चीज है ठीक है, अब ये इस तरीके से है और ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर क्या है एक बंदा है, हाँ भाई चित्र से समझ में आ रही कहानी आ गई, इसमें तुम्हारी आएगी। हाँ पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने यहाँ पे आई रिया मेरा राज, रिया आएगी किससे आएगी पालकी से। पालकी ओल्ड टाइम में एनिशियंट टाइम में बहुत अच्छा ट्रेवल सोर्स था, अब आज के समय में भी उसका थोड़ा बहुत यूज होता है। तो बाय प्लैंकिन राजस्थान की फेवरेट सवारी बाय प्लैंकिन, रिया विल अराइव बाय प्लैंकिन। अगला लिखा थीप वॉज अरेस्टेड, थीप को अरेस्ट कर लिया गया पैसे बॉय से बाय। अगला लिखा सी केम एंड सेट, वह आई और मेरे पास में बैठ गई। देखो पास, पास के अर्थ में क्या लगाते बाय लगाते। अब आपको इसको पढ़ के एक चीज ध्यान आनी चाहिए, क्या याद आ रहा बिसाइड का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बाय भी आ सकता है और बिसाइड भी आ सकता है। आई स्वर, मैं कसम खाता हूँ, क्या खाता हूँ क्यों भूखे हो क्या खाना खाओ, कसम क्यों खा रहे हो लेकिन खाओ बाय क्या आएगा। आई स्वर बाय गुड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, आई स्वर बाय मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, तो कसमें असमें ना खाओ। एक मैंने सुना था बर्तन वही खनकते हैं जो फूटे होते हैं, बर्तन वही खनकते हैं जो फूटे होते हैं, कसम वही खाते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। चलो इसलिए कसम नहीं खाया का। आपने बाय के इस स्पेशल यूज को अच्छे से समझा होगा और इंजॉय किया होगा, तो आपने तो इंजॉय कर लिया, अब हम कैसे इंजॉय करेंगे। आपको उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी जरूर कराएं।